दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ जैक्स और आज मैं आपको बताने वाला हूं पेटीएम के बारे में। मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पेटीएम कैसे लॉक, हम दुकान में जाते हैं को ले ले नहीं आए, पेटीएम कैसे यूज करते हैं यार। जब हम जो वीडियो बनाने वाले थे तब तुम ही आ जाते हो, क्या करें, तुम ही दिखता है। तो मजाक कर रहे थे। खैर, तो तुम्हारा 2000 नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है, लेकिन नहीं ले रहा है। छोटा छोटा सामान लेते हैं तो नहीं ले रहा है। क्या ले रहे थे भाई? ले रहे थे बिस्किट उस्किट और क्या। तो दुकान वाले के पास पेटीएम का एक कूपन लगा होता है, था क्या? हाँ था। था? हाँ। पक्का? पक्का। तो फिर दिक्कत क्या है? तो तुम उसको पेटीएम से पैसा भेज दो। कोई यूज करने के लिए नहीं आ रहा। पेटीएम का अकाउंट है? नहीं है। चलो इस वीडियो में हम तुमको बता देते हैं कि पेटीएम पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है? अगली वीडियो में हम तुमको पक्का बताएंगे कि तुम कैसे पैसा भेज सकते हो। कैसा रहेगा? ठीक चलेगा ना? चलो ठीक है, फिर देखो याद ध्यान से। दोस्तों, पेटीएम डाउनलोड करने के लिए आप सबसे पहले अपना प्ले स्टोर खोलिए और ऊपर में सर्च कीजिए पेटीएम, और जो आपको सबसे पहला वाला ऑप्शन मिलेगा पेमेंट वॉलेट, ये जो यहाँ पर है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। मैंने इसे पहले से डाउनलोड करके इंस्टॉल किया हुआ है, तो चलिए मैं इसे बस यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो ये पहली बार खुल रहा है और इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि आप पेटीएम पे साइन अप कैसे कर सकते हैं। उसके बाद अगली वीडियो एक और मैं बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आप इसको कैसे अपने बैंक अकाउंट से कनेक्ट करके इसमें पैसे ला सकते हैं। यहाँ आप लैंग्वेज चुन लीजिए और यहाँ पे कुछ छोटे मोटे चीज़ें समझाई गई है, बट मैं उसको अच्छे से समझा दूंगा। यहाँ पे आप इसको अलाउ कर दीजिए ताकि ये आपके डिवाइस के मीडिया को एक्सेस कर सके। तो ये हुआ आपके पेटीएम का मेन स्क्रीन। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ चीज़ें मिलेगी, बट चलिए यहाँ पे भी ध्यान नहीं देना है। तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट इसमें साइन अप करना होगा, क्योंकि अगर आपका कोई अकाउंट नहीं होगा तो आप फिर कैसे कुछ कर पाएंगे। यहाँ पे आपको नीचे में चार ऑप्शन देख रहे होंगे, होम, ये है मेल, और ये प्रोफाइल, और ये नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले आप आ जाइए प्रोफाइल पर। यहाँ पे आप लॉग इन टू पेटीएम पे क्लिक कीजिए, तो ये आ गया लॉग इन पेज। क्योंकि आपका कोई अकाउंट नहीं है तो आपको तो पहले साइन अप करना होगा, लेकिन अगर आपका अकाउंट है तो ईमेल या मोबाइल नंबर आप इस हिस्से में ऐड कर सकते हैं, और अपना पेटीएम पासवर्ड आप इस हिस्से में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फिर सिक्योर लॉग इन कर सकते हैं, या फिर आप इसको अपने फेसबुक या फिर गूगल प्लस के अकाउंट से भी लॉग इन कर सकते हैं। तो हमारे पास लॉग इन नहीं, इसलिए हम ऊपर में साइन अप पे क्लिक करेंगे और साइन अप करेंगे। साइन अप के लिए आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, जैसे मेरा नंबर और मेरा ईमेल और एक मेरे द्वारा बनाया गया पासवर्ड। पासवर्ड में आपको यहाँ पर लेटर के साथ नंबर भी डालना होगा, यानी अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड बनाना होगा। चलिए यहाँ से हम लोग साइन अप कर लेते हैं, या फिर आप अपने फेसबुक या फिर गूगल प्लस के अकाउंट से भी साइन अप कर सकते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग साइन अप कर लेते हैं। तो अब ये मेरे नंबर पे एक ओटीपी भेज देगा। मेरा सिम इस फोन में नहीं है तो दूसरी जगह ओटीपी आया है। अगर आपका सिम उसी फोन में रहा तो ये ओटीपी को ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। ये है मेरा ओटीपी। तो बिल्कुल ये कनेक्ट हो गया है। ऊपर में मेरा नंबर है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, ये हमें इसमें चुनना होगा। तो दोस्तों, मैंने इसको बिल्कुल भर लिया वैसे ही जैसे भरना था, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे यस आई डिड। आप इसको यहाँ पर से स्किप भी कर सकते हैं, या फिर अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड की डिटेल को भर भी सकते हैं। यहाँ से आपके अकाउंट को मर्ज करने का ऑप्शन आ रहा है, आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ। तो दोस्तों, बिल्कुल मेरा पेटीएम अकाउंट खुल चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा नाम, बैलेंस की जगह 00, क्योंकि मेरे पास बैलेंस है नहीं। और ये है मेरा पेटीएम का क्यूआर कोड, जिसको कोई भी स्कैन करके मेरे पेटीएम पे पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है। ये हो गए माय ऑर्डर्स, यहाँ पे विश लिस्ट, सेव्ड कार्ड्स, डिलीवरी एड्रेस, ये सब चीज़ें नॉर्मल। यहाँ आप नोटिफिकेशन पे ध्यान दे सकते हैं, बाकी इसमें कुछ ध्यान देने लायक चीज़ नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिखेगा आपको सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक कीजिए और जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमें ये भी बताइए कि आपको मेरे दोस्त आनंद कैसे लगे।